रिपब्लिक बांग्ला में पहली बार, बहुत बहुत स्वागत है। बांग्ला को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोदी जी। मोदी जी, ये जो पूरा जो माहौल है, हजारों में लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए? लोगों को रोका गया, 144 इशू किया गया बहुत सारे जगहों पे, रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी को मोदी से इतना डर क्यों है? उनको मुझसे डर नहीं है, वो स्वयं से डरती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो झूठी मायाजाल खड़ी की हुई है वो गुब्बारा फूट चुका है। बंगाल की जनता उनके कुकर्मों को भलीभांति समझ गई है और बंगाल के नागरिकों का, बंगाल की भावी पीढ़ी का और बंगाल का वो भारी नुकसान कर रही है, ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विंस हो चुका है। और इसलिए वो बचने के लिए रास्ते खोज रही है। क्या लग रहा है मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट बंगाल से होगा क्या? बार बार आप बोल रहे हैं। मैंने पूरे देश के चुनाव में भ्रमण किया है, मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त है और सामान्य मानवीय का संकल्प बन गया है विकसित भारत का। ये इस कैंपेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी जी, 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते, हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवा संघ को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुरान, लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खत्म नहीं होगा, ऐसा क्यों कर रहे ममता जी? देखिए, ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है, वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट जिहाद के लिए वो लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना, कोई जय श्री राम बोले तो लड़ाई लड़ लेना, और वो परंपरा उनकी अपनी पार्टी के हर व्यक्ति में आई है और इसलिए वो सभी हिंदुओं को डुबो देने की, बहा देने की, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और नेशनल मीडिया जो आए दिन जो खान मार्केट गैंग है वो ऐसे ऐसे विषयों को उछालती है, उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि देशवासियों को गंगा में बहा देने की बातें हो रही है। ममता जी तो चुप है, उनकी पूरी गैंग चुप है। मोदी जी, बंगाल जहाँ पे हम खड़े, एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, हम लोगों का क्या कुछ नहीं था, इंडस्ट्री लेके ट्रेड कल्चर सब कुछ था, अभी हम लोगों का जो ग्लोरी है वो है नहीं। आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या, जिस फैक्ट्री को सिंगूर से आप टाटा का फैक्ट्री सानंद में लेके गए थे, अगर यहाँ पे डबल इंजन सरकार हो तो सिंगूर में फैक्ट्री होगा, नंदीग्राम में फैक्ट्री होगा, भांगोड़ में, डायमंड हार्बर में, सब जगह फैक्ट्री होगा और हम मुंबई दिल्ली के साथ टक्कर देंगे विकास में। मेरा गुजरात का अनुभव है, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ 10 साल में 7 साल अकाल होता है। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है जो बंगाल के पास है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नमक है और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी हमने धीरे धीरे मेहनत करके उसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। बंगाल का तो पूरा हिस्ट्री इंडस्ट्री का है, बंगाल के पास बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ पहले वाम वालों ने लाल झंडे के जुलूस निकाल निकाल करके सारी इंडस्ट्री को ताला लगा दिया,
लोग भाग भाग करके कहीं और चले गए। अब बाद में सोचा था कि शायद टीएमसी आएगी तो सुधार करेंगी, अब वो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को जो सुरक्षा चाहिए, जो विश्वास चाहिए कि यहां की पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी, वो जब तक नहीं आता है कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। और इसलिए बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के नौजवानों के भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोदी जी, अगर आप खुद अगर डबल इंजन सरकार हो, यू हैव बीन वन ऑफ द एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग बिजनेस इन गुजरात, बंगाल के लिए वो क्या करेंगे आप? मैंने उनको पहले भी एडवाइस दी है कि आपको ये करना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को, जो क्योंकि हमने G20 अलग अलग राज्यों में क्यों किया, इसीलिए किया कि उन राज्यों का प्रोजेक्शन हो, वे अपने राज्यों को फोकस करें ताकि दुनिया का ध्यान जाए। तो मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं बढ़ चढ़ कर मदद देना चाहूंगा। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बांग्ला के सभी दर्शकों के तरफ से ये जो चीज है, इससे शायद बहुत कुछ पता चल रहा है। इस बार क्या यहाँ पे भी मोदी सरकार, मानता हूँ पूरे देश में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल के लोकसभा के चुनाव में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।